अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा फ्राइज। उसके लिए मैंने ली है चीज़, चेडर मोज़रेला चीज़ ली है। ये मैंने चिकन पे टिक्का मसाला लगा के उसको मैंने पका के उसके मैंने श्रेड कर लिया है, ठीक है। और ये मैंने लिए है अनियन काट लिए हैं, शिमला मिर्ची हैं, और ये मैंने रेड चिली ली है, रेड ग्रीन चिली जो होती है, और ये मैंने ऑलिव्स कटे हुए लिए हैं, ठीक है। और मैंने इसके लिए लिए है ये चिप्स मैंने बना ली है फ्राइज, इसकी मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूँगी, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने फ्राइज़ बनाई है इसके ऊपर हम 1/2 टीस्पून इस पर चाट मसाला लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे चिप्स फ्राइज़, ये सारी हम डाल देंगे इसके ऊपर। ये हम चेडर चीज़ के पीस एक स्लाइस मैंने लिया है उसको हम इसके ऊपर फैलाएँगे। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी हम ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस हम लगाएंगे। अब ये जो चिकन टिक्का है ये इसके ऊपर लगाएंगे, सारे के ऊपर हम इसको फैला देंगे। अब अनियन डालेंगे और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब फिर से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर ये रेड ग्रीन चिली ऐड करेंगे, ये हमने सजावट के लिए लिया है। और ये ऑलिव्स लगाएंगे, ऑलिव्स। अब हम इसके ऊपर ऑरिगानो ऐड करेंगे, ये स्प्रिंकल करेंगे। अब कुटी हुई लाल मिर्ची इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको हम बेक कर लेते हैं। जी व्यूज़, हमने इसको 15 मिनट के लिए बेक कर लिया है पतीले में। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, ये इसको हम बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूज़, मैंने निकाल लिया, ये देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्स्चर आया हुआ है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ आप इस तरीके से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।